हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में इंजीनियर सिविल नॉलेज में। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे हर शिशु वन का। इसमें हम लोग, ये बेसिकली पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग जानेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं एज़ पर आई एस 456। इसमें हम लोग जानेंगे स्टेप्स क्या क्या होते हैं उसको फाइंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टेप फर्स्ट होते हैं गिवेन डाटा, ऑल गिवेन डाटा। जितने भी क्वेश्चंस में डाटा गिवेन है, जैसे आप क्रॉस सेक्शन दिए होंगे, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, स्टील ग्रेड, पूरे डाटा को हम राइट कर लेंगे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में। स्टेप टू, टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन में जैसे हो सकते हैं बैलेंस सेक्शन हो, बीम, अंडर रेनफोर्समेंट हो, ओवर रेनफोर्समेंट हो। अगर बैलेंस सेक्शन है तो एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, अगर अंडर रेनफोर्समेंट हो तो एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, ओवर रेनफोर्समेंट हो तो एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग। तो एक्स यू जो है वो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, एक्स यू क्या न्यूट्रल एक्सिस है, और एक्स यू जो है न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस है, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस है। तो इसमें से मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए फार्मूला होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला होता है। पेज नंबर 70 मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसे आप देख लो IS 456 2000 पेज नंबर 70 यहाँ पे दिए हुए हैं। ये ग्रेड ऑफ स्टील दिए हुए हैं, ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पे दिए हुए हैं, उसकी फार्मूला एक्स यू मैक्सिमम निकालने का 0.53 डे, 0.48 डे, 0.46 डे, वही पे यहाँ पे है पेज नंबर 70। एक्स यू मैक्सिमम निकालने के लिए, एक्स यू लिमिट निकालने के लिए। स्टेप थ्री पे आ गए हम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने, पेज नंबर 96। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ एज पर आई एस 456 2000, पेज नंबर 96। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी ब्रैकेट 1 माइनस ए एस टी एफ वाई बी डी एफ सी के ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे दिया है एम यू निकालने के लिए, तो एम यू हम यहाँ से निकाल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रही ए एस टी निकालने के लिए, तो ए एस टी निकालने के लिए तो पहले मेरे को एक्स यू हम वहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं, एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग दोनों कंसीडर कर दें, तो कंप्रेसिव इज इक्वल टू टेंशन, कंप्रेसिव इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के एक्स यू बी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। तो यहाँ से मेरा ए एस टी का फॉर्मूला बन जाएगा। ए एस टी निकालने के लिए तो हमको चाहिए एक्स यू, एक्स यू हम पहले से माने एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग हम मान चुके हैं। तो एक्स यू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए हम यहाँ पे देख चुके हैं, एक्स यू लिमिटिंग का डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए ये सब फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम एक्स यू लिमिटिंग निकाल सकते हैं, और एक्स यू लिमिटिंग निकाल के हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके ए एस टी निकाल देंगे। ए एस टी निकल जाएगा तो मेरा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा एम यू। और स्टेप फोर क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ बार कैलकुलेट करना है। तो नंबर्स ऑफ बार कैलकुलेट करने के लिए ए एस टी, कैपिटल ए एस टी डिवाइड बाई स्मॉल ए एस टी। कैपिटल ए एस टी क्या, टोटल्स एरिया ऑफ स्टील, स्मॉल ए एस टी 1 बार एरिया ऑफ स्टील। तो 1 बार जैसे कि मान लीजिए हम एज्यूम कर लिए कोई भी, जैसे कोई भी बीम हम दे रहे हैं 60 mm डायावार यूज कर रहे हैं, 20 mm डायावार यूज कर रहे हैं, 12 mm डायावार यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम 1 बार उसको निकाल सकते हैं। स्टेप फाइव में हम ड्रॉ फिगर कर देंगे, मतलब जो मेरा जितना नंबर सब आ रहेंगे उसका फिगर ड्रॉ कर देंगे, ड्राइंग बना देंगे कुछ इस टाइप में, क्रॉस सेक्शन बी डी न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव टेंशन नंबर सब बार कितना यूज हो रहे हैं वो हम बना देंगे। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, स्टेप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कॉमेंट कीजिए, हम आपको कॉमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।